Hello guys, welcome to Smart Learning Academy. My name is Viren Singh and in this video tutorial I am going to discuss about the solution of part A problems in the CSIR December 2018 problems. ठीक है, जो CSIR 18 के problems पूछे गए हैं part A के, मैं उनके solutions के बारे में discuss कर रहा हूँ इस lecture series में. अगर आपने part 1, part 2, part 3 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उनको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आप ये part 4 वीडियो देखिएगा. सो हम देखते हैं इस वीडियो के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए और उनको कैसे सॉल्व करना है. और आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं लेक्चर वीडियोस डिलीवर करता हूँ. अगर आप फेसबुक ग्रुप पे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ ज्वाइन करिए, अपने क्वेरीज़ को पोस्ट करिए, हम सॉल्व करेंगे एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, तो 10th नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है कि इफ़ डी इज़ ए बी सी, बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, वेयर ए बी सी एंड सी आर द डेसिमल डिजिट्स, देन डी इज़ द डिविजिबल बाई. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन जब आपको कोई भी अल्फ़ाबेट्स दिया है और डिजिट्स के फॉर्म में आंसर पूछ रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप एक एग्जाम्पल के थ्रू चलिए और जनरली छोटे नंबर्स लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, ज़्यादा बड़े डिजिट्स मत लीजिएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है ए को 1 कंसिडर किया, बी को 2, सी को 3. ठीक है, आप कंसिडर कर लीजिए, करने के बाद आपको क्या करना है, आप 1, 1, 1 भी ले सकते हैं, आप चीज़ें जो भी आपको लेना है आप उस तरीके से आप ले लोगे. बट यहाँ पे एक चीज़ है कि ए बी सी तीनों अलग है, तो आपको तीनों अलग लेना है. ठीक है, उस तरीके से आप क्या किया कि उन्होंने ऐड किया, मैंने 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 कर लिया. ठीक है, ऐसे ऑर्डरल फॉर्म में जनरली क्या होता है कि जो भी ए बी सी हो उनके बीच का जो रेंज हो, जैसे अगर ए को आपने 1 सेलेक्ट किया तो बी 2 होना चाहिए, सी 3 होना चाहिए, या आपका जो सी अगर आपने ए को 4 सेलेक्ट किया तो जो बी होना चाहिए 5, या जो भी रेंज होगा, अगर 4 to 6, 6 to 8 जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने 1 को 1 कंसिडर किया, बी को 2 और सी को 3, इस हिसाब से सॉल्व किया. ये अगर ऐड करोगे 666 आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, आप 36 से डिवाइड हो रहा है जबकि 29 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा, 2. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2. तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही प्रोसीड करते हैं. इससे आने वाला जो 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरीके का है, हम देखते हैं उस क्वेश्चन के बारे में. तो वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा कि 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए, टू सॉल्यूशंस एक्स एंड वाई कंटेनिंग द इंग्रेडिएंट्स ए बी सी. ठीक है, द प्रोपोर्शन ए बी सी दिया है एक्स के लिए, सी बी ए सी इज टू बी इज टू ए दिया है वाई के लिए रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि मिक्स कर दिया, तो जो ए बी सी का रेशियो है वो क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है, जो ए बी सी का रेशियो है वो सेम हो जा रहा है. तो ये भी जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन सॉल्व किया वो उसी तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. आपको क्या करना है कि ए बी सी जो है उसको कंसीडर कर लीजिए. कैसे कंसीडर करना है, मैंने बताया कि जो रेंज होगा वो सेम रखना, कांस्टेंट रखना है. अगर 2 का रेंज ले रहे हैं, 3 का रेंज ले रहे हैं, जो भी है कॉन्स्टेंट रखना है आपको. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फिर से 1, 2, 3 कंसिडर किया और देखिए वाई क्या है, 3 to 2 to 1, सी इज टू बी इज टू 1, एंड एक्स क्या है, ए इज टू बी इज टू सी, 1 is to 2 is to 3. अगर आप यहाँ पे इक्वेशन फॉलो करने के लिए देखें तो मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पे देखिए बी जो है, बी इज इक्वल टू 2 है, वो क्या है, ए प्लस सी बाई 2, यानी कि 3 plus 1 by 2 दैट इज़ 4 by 2, 2 आ गया. वैसे ही एक और एग्जांपल के थ्रू देखिए, अगर ए को मैंने 5, बी को 7 और सी को 9 कंसिडर किया, रेंज देख रहे हैं दोनों का सेम है, ए अगर 5 है, बी 7 है और सी 9 है, तो जो रेंज है मतलब 9 plus 5 = 14 डिवाइडेड बाई 2 is 7, तो जो इक्वेशन फॉलो होगी वो कौन सी फॉलो होगी, 4th इक्वेशन फॉलो होगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इक्वल टू सी प्लस ए बाई 2 दैट इज 4th. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्कैटर्ड प्लॉट फॉर द पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, स्कैटर्ड प्लॉट दिया हुआ है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे रिलेशन जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, अगर डेटा अलाइन है एक साथ, और ये देख रहे डेटा सब एक साथ अलाइंड है एक रेंज में, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर डेटा थोड़े से रैंडम है, मतलब कि थोड़ा रैंडम मैनर में अरेंज्ड है, एक लाइन में अरेंज नहीं है, बट क्या है कि ये पैटर्न कैसा दे रहा है, पॉजिटिव, तो ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं हाई पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर
रैंडम बहुत डेटा बहुत ज़्यादा, जो उनके डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी वो कैसा कोरिलेशन आपको पैटर्न दिख रहा है ना, इंक्रीज़ करता चला जा रहा है, इसको बोलते हैं लो पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन ना वो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, नो कोरिलेशन। ठीक है, और क्या है कि जो अगर वही रैंडम पैटर्न्स है, डेटा बहुत दूर दूर अरेंज हैं और डिक्रीज कर रहे हैं विद द एक्स एक्सिस, तो निगेटिव कोरिलेशन होता है। डेटा और क्लोज आए, डेविएशन कम हुआ, तो इसको बोलते हैं हाई निगेटिव कोरिलेशन। अगर एक लाइन में अरेंज है तो इसको बोलते हैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। तो आप डेटा देखिए, अब ये डेटा कैसा है, ये कुछ स्ट्रेट लाइन जाएगा इंक्रीजिंग, बट हाई पॉजिटिव कोरिलेशन टाइप का है। बट बी डेटा देखिए, इसमें आप कोई भी कोरिलेशन नहीं है, एक्स और वाई का कोई भी कोरिलेशन नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज अब्सेंट इन द बी। ठीक है, जो बी में है वो कोई भी कोरिलेशन शो नहीं कर रहा है, तो सेकेंड विल बी द आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ अ प्लेन सरफेस, एक प्लेन सरफेस पे टाइल्स लगा रहे हैं आप, तो कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर ऑड वन आउट होगा। तो बाकी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके देख लीजिए, अगर स्क्वायर आप ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 ट्राइंगल ड्रॉ किए, अब फिर 5 6 करेंगे पैरेलल के लिए, उसके बाद अलग लगाएंगे, तो ये यहाँ पे एक स्पेस छूट जाएगा, कॉर्नर में स्पेस छूट गया ब्लैंक। वैसे ही स्क्वायर में आप जब करोगे तो कोई भी स्पेस नहीं छूटेगा, जब आप पेंटागन करोगे तो भी कॉर्नर में स्पेस छूट जाएगा। देखिए पेंटागन का स्ट्रक्चर ऐसे है, यहाँ पे एक स्पेस छूट गया, सिमिलरली हेक्सागन में भी स्पेस छूट जाएगा। सिर्फ स्क्वायर में है जो कि स्पेस नहीं छूटेगा, तो ऑड वन आउट में इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के अपना डाउट पूछ लीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।